बकाया ये अब रूम देख लेते हैं। अच्छा, इन्होंने हमें ये रूम नहीं ओपन करने दिया। अक्सर ऐसा है हमारे साथ होता है कि हम जब जाते हैं किसी भी लोकेशन के ऊपर, तो हमें यही बोला जाता है कि भाई आपको इस रूम की जो है वो चाबी नहीं मिलेगी। अब हो सकता है उनके माइंड में हो, कोई उनका कीमती सामान पड़ा हो, तो शायद उनको लगता हो कि कहीं ये उठा कर ना ले जाए। सीधी सी बात इसलिए नहीं देते, नहीं तो और तो कोई बात नहीं होती जो है वो की ना देने की। यार इन्होंने इसलिए नहीं दी, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जो आपके सामने एक्टिविटीज़ हो रही है वो ही मतलब इस रूम के अंदर भी हमें मिल सकती है। बाकी अगर ये बोला जाए कि इस रूम के अंदर से कुछ हुआ था या जो भी जो है इस लुके, ठीक है, आवाज़ आई है आपको? कहाँ से आ रही है? झंझरों के पास से। यहाँ से उधर करना लास्ट वाले जानवर के पास। यार ये ऐसे खड़ी हैं दोनों सामने बैंक से, जैसे ऐसे लग रहा है इसकी बैक साइड पर कोई मखलूक खड़ी हो। और आवाज़ जो है वो इतनी क्लियर नहीं है जो कि हम कह दें कि किसी मखलूक की है। ये अल्लाहु अकबर, ये आवाज़ जो है वो इतनी क्लियर नहीं है जो कि हम कह दें कि किसी मखलूक की है। ये अल्लाहु अकबर, ये अस्तग़फ़िरुल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये है, ये तो बिल्कुल क्लियर आवाज़ आई है सामने से। अल्लाहु अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये जानवर जो है ना सहमे सहमे से लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इनको जैसे वो चीज़ नज़र आई हो। लेकिन जब तक तो इनके ऊपर हिसार था तब तो इनको वो चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। एक ये भी इशू है कि इसका जो बैक फुट एरिया है ना वो बिल्कुल जो है वो आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो ओपन है, खाली है, फसलें हैं पीछे, कोई भी चीज़ आसानी से जो यहाँ पर आ सकती है। पीछे सारा जो है वो फसलें ही नज़र आएंगी और इर्द गिर्द कोई घर नहीं है, सिर्फ इनका ही है, वो भी घर नहीं है, सिर्फ इन्होंने ऐसे ही जो है वो जानवरों के लिए बनाया हुआ है फार्म, वो साथ में ही है, थोड़ी सी दूर है। बाकी ये फुल एरिया जो है वो खाली है। यहाँ पर हम अगर ऊंचा बोल कर भी किसी को बुलाएं ना तब भी यहाँ पर कोई नहीं आएगा, आवाज़ ही नहीं जाएगी, इतनी दूर दूर तक घर है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ, आवाज़ आई है आपको? अच्छा, वो जो मैं आपको शुरू में बात कर रहा था कि हमें जो मखलूक नज़र आई वो हमें इस एरिया में नज़र आई, यहाँ पर जैसे वो आधी निकली हो बाहर की तरफ। ओह अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये क्या हुआ, अस्तगफिरुल्लाह। और ध्यान से देखें, हमें पता है आप
हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द ही हैं, पास ही हैं, अपने आप को बिना नुकसान पहुंचाए हमें जाहिर कर सकते हैं। बिना नुकसान पहुंचाए अपने आप को जाहिर कर सकते हैं। यार ये मक्खी भी आकर लग रही है मुंह के ऊपर, ध्यान से। बार बार जो है वो एक्टिविटी सी एरिया में ही वो चीज़ कर रही है, इसका मतलब जो है वो हमारे इर्द गिर्द ही होगी, पास ही होगी। ये पत्थर कहाँ से है? इधर से है। अल्लाह अकबर, उस रूम की तरफ से। कैमरा ब्लर हो रहा इधर अंदर। रूम भी ओपन है और सामने किसी के जो है वो जूते भी पड़े हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? है कोई अंदर? ध्यान से अस्तगफिरुल्लाह। पीछे भी ध्यान रखने। देखिए हमें पता है आप अंदर ही हैं, हम अंदर आना चाहते हैं क्या? ये क्या हो रहा है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? हम अंदर आ रहे हैं बिना नुकसान पहुंचाए हमें अंदर आने दे। हम आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए, आप भी हमें कोई नुकसान ना पहुंचाइए। ठीक है, आपका हाथ लगा है? ये भी डोर की आवाज आई। ध्यान से पीछे देखें, ये सामान पड़ा है इनका कोई। ध्यान से पीछे से, आपके पीछे से गिरा है। ध्यान से ना, देखें हमें पता है आप इसी रूम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। हमें पता है आप हमारे इर्द गिर्द ही हैं बिना नुकसान पहुंचाए। क्या आप अपने आप को जाहिर कर सकते हैं किसी भी सूरत में? किसी जानवर की शक्ल में? असद, 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 और हाथ खींचना मेरा।
हाथ खेच। वैसे तो हो गई है। यार ये कोई अजीब सी कोई चीज़ थी, कोई एनर्जी होती है एकदम से मेरा हाथ खींचा और जैसे ऐसे लगा जैसे वो चीज़ लाइट में, ये यहाँ पर सारी बिजली है इसके अंदर मेरा हाथ लेकर जा रही थी। अल्लाह अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहु अकबर। यार डर सा लग रहा है यार, बाहर आ जाओ। ये तो बहुत जो है वो ना खतरे वाली वहां पर बात है। वो थ्री फेस जो है वो करंट आ रहा है, ये वो आप को नज़र भी आ रहा होगा, वो लाइट्स जो है वो जल रही हैं मीटर की और बिजली जो है वो अंदर आ रही है। अल्लाह अकबर। ये तो मैं कहता हूँ कि उस चीज़ ने जैसे एक वार्निंग दी हो, इतना उस चीज़ ने कोई अटैक नहीं किया ना ही इतना ज़्यादा मेरा जो है वो ये होता है ना वो चीज़ जो है वो आपको ये आवाज़ें आ रही है। होता है ना वो चीज़ आपको जो है वो मारना चाह रही हो और आपको पता चल जाता है ये चीज़ ने मेरा हाथ उधर लेकर गई है और उधर जाकर स्टिल हो गया, रुक गया मेरा हाथ, जैसे उस चीज़ ने वहाँ पर ही मेरा हाथ रोक लिया हो। जैसे एक वार्निंग होती है कि आप जो है यहाँ से चले जाएं, नहीं तो जो है वो इससे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ये पत्थर कहाँ से आना शुरू हो गए? यहाँ पड़ा हुआ था अभी। यहाँ से आया है। से इधर आना, इधर से पीछे तो देखें अगर पीछे है क्या ऐसा जो है। ये देखें यहाँ पर भी जो है ना वो आग जलाई गई है या जली है या खुद लगी है क्या हुआ है, यहाँ पर भी जो है ना वो आग लगी हुई है। और ये देखें ये दोस्तों को नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर जानवर बांध रहे हैं के लिए इन्होंने जो है वो यहाँ पर भी जो है वो जानवर बांधते होंगे और हो सकता है यहाँ से भी वो जानवर ले गई हो। अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ध्यान से यार सर बचा कर अपना। कॉर्नर में भी जो है वो काफ़ी सारा कचरा पड़ा है और अक्सर इन जो जिन्नात होते हैं इनको गंदगी ही पसंद होती है, गंदगी और इनकी जो खुराक है उसमें से एक जो है वो गोबर होता है और आपके सामने ही है यहाँ पर गोबर तो बहुत ज़्यादा है। ध्यान से यार इधर आ जाए, कुआं है अभी मेरा पाँव जैसे ही वो हिली है लकड़ी मेरा पाँव जो है वो फिसला है, मैं बचा हूँ गिरता गिरता अंदर और इसकी जो
बाउंड्री है वो भी काफ़ी छोटी है। ध्यान से यार अपने आप को जो है ना सेव रखना और पीछे से ध्यान रखने, कुछ चीज़ ऐसी वैसी हो ना जो कि ये क्या ये आवाज किस चीज़। मुझे लगा ये वहाँ से आवाज़ आ रही है जहाँ जहाँ पर हमने पहले उस मखलूक को देखा है। मुझे लग रहा है ये देखें जैसे कोई बात कर रहा हूँ, भारी आवाज़ ये देख यार ये तो ऐसे अब लग रहा है जैसे इस रूम से कोई बात कर रहा हो, जैसे वो चीज़ हमें गुमराह कर रही हो। ये सामने दिखा ना डोर हिल रहा है क्या। पहले आवाज़ आई है उसके बाद जो है ना महसूस हुआ जैसे डोर हिल रहा हो। आवाज़ें मुसलसल आना शुरू हो गई हैं, इर्द गिर्द कोई घर भी नहीं है, कोई और बंदा भी नहीं है, जैसे कि इस लोकेशन के जो है वो ओनर हैं। उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि हम नहीं आएंगे, आप लोगों ने ही जाना है, तो अगर कुछ हुआ भी तो जो है वो आप अपनी लेकर आए टीम जो कि आपको जो है वो मुसलसल 3 से 4 दफ़ा मूव हुआ है और आंखों के सामने बिल्कुल, और एक वार्निंग ही होती है इस। देखते हैं इसके अंदर क्या है। सारी जलन सी हो रही है जब से वो बाजू पकड़ा गया ना, ये रेडनेस अंदर है कोई। अंदर है कोई? अगर कोई अंदर मौजूद है तो हम अंदर आ सकते हैं। हम आपको कोई भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए। अच्छा की बात है कि इस रूम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है सही, ये मैंने बात की है ना जैसे कोई सांस लेता है ना ऐसी आवाज़ आई है। हमें पता है आप अंदर हैं, हम आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए, आप भी कोई हमें कोई नुकसान ना पहुंचाइएगा, हम आपकी इजाज़त से ही अंदर आ रहे हैं। इसके अंदर आते ही जो है वो आपको स्मेल ही बता रही है कि इसके अंदर जो है ना कुछ है। अच्छा यहाँ से जब मैंने
बोला कि हम अंदर आ सकते हैं यहाँ से, जैसे कुछ ही सा... अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह के अल्लाहु अकबर इस रूम के अंदर अब जैसे कोई, जैसे हमने पहले देखा है ना बाहर वाली सिचुएशन, उसे हटकर लग रही है जैसे कोई अलग ही इस रूम के अंदर कोई मखलूक हो। क्योंकि अक्सर होता है जहाँ पर कोई एक अगर जिन्नात बसेरा करता है ना, और वहाँ पर और भी काफ़ी सारे जो जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं, उससे होता ये है जी के ध्यान से यहाँ पर अच्छा ना मोबाइल की बैटरी भी देखते रहना है। अक्सर ये होता है कि ये चीज़ें जो है ना बैटरी जो कंज्यूम कर लेती हैं, कि एनर्जी जो है वो खींच लेती है और पता ही नहीं चलता एकदम से। अल्लाह हू अकबर ये क्या है खाना आगे होकर, ये क्या उसके अंदर कोई सब्जी है, मिर्ची है ये तो। अल्लाह हू अकबर देखिए हम आपको कोई भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए, हम सिर्फ आपको देखने आए। अगर आप अपने आप को जाहिर कर दें तो हम अभी चले जाएंगे, जैसे आपने पहले अपने आप को जाहिर किया है। फिर अब दोबारा कर देते हैं तो हम यहाँ से जो है वो चले। अल्लाह हू अकबर अस्तगफिरुल्लाह। इसके अंदर क्या है सब? ये इतना तंग कर रही है। अच्छा अगर ये साथ वाला भी रूम मिल जाता ना, उससे होना ये था कि क्लियर हो जाता है। अब होगा क्या कि हम तो चले जाएंगे, पर माइंड में एक बात ज़रूर रहेगी कि यार ये अगर रूम देख लेते ना, शायद इससे कुछ ऐसा हमें मिल जाता जिससे हो सकता था ये लोकेशन क्लियर भी आसानी से कर पाते, और जो है हमें डाउट भी जो है वो दूर हो जाता। अब इन्होंने नहीं दी तो बाकी हम ये नहीं कहते कि इसी के अंदर ही सारा जो है वो इस लोकेशन का हल है, बाकी क्लियर हो जाता है। ठीक है अल्लाह हू अकबर अस्तगफिरुल्लाह। ये उड़ी है चादर सामने वाली। अल्लाह हू अकबर अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पर मुसलसल जब पहले भी हम आए खड़े रहे, लगातार यहाँ पर जो है वो एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिली। पहले जब हम आए ये बिस्तर ऐसे बिछे हुए थे से लग रहा था जैसे अभी कोई सोकर उठा हो, तो अब हमारे आने के बाद आप देखेंगे ऐसे लग रहा है जैसे ये सब कुछ जो है वो कब का बिखरा पड़े। और ये जो दरख्त है ये भी इतना घना है कि इसके बंदा नीचे जाकर दिखा भी नहीं सकता कि इसके अंदर तो नहीं कुछ बांधा हुआ। क्योंकि मैं पहले गया हूँ नीचे, और नीचे इसके जाते ही आपको ये अजीब सी जो है वो ये मक्खियाँ और ये देखें आपके मुंह के ऊपर आकर लगती हैं, जगह ही नहीं है खड़ा होने की, ये भी बड़ा मसला होता है।
अल्लाह अकबर। यहाँ से मैं पहले गया हूँ नीचे देखने के लिए, अंदर जाने की जगह ही नहीं मिली। ओए 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 पीछे, ओए पीछे आ जा। ओए अल्लाह अकबर, वही चीज़ रिकॉर्ड हो गई है। इधर आना, इधर आना। अल्लाह अकबर यार, वही चीज़ आ गई है सामने। ध्यान से ध्यान से, वो कुएं से बाहर निकली है। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। इधर नहीं, इधर नहीं, कुएं की तरफ करो, बस उधर रोक कर। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ध्यान से ध्यान से, अल्लाहु अकबर। यार जैसे ही मैंने देखा है कि कुएं की तरफ एकदम से कुछ चीज़ ऐसे निकली है जैसे हमें पहले नज़र आई थी। अल्लाहु अकबर, ये अजीब सी, अल्लाहु अकबर, तबीयत अजीब सी होगी यार देखकर। मैं तो हालांकि इजीली बात कर रहा था ये दरख्त के बारे में कि नीचे से मैं दाखिल हुआ हूँ, तो एक अजीब सी मुझे ना एक एहसास सा होता है अक्सर बंदा अकेले में जैसे बैठा हो ना, तो एकदम से बंदा पीछे देखता है यार कोई है तो नहीं। एक बंदे को महसूस सी होती कोई चीज़, मुझे ऐसे महसूस हुई जैसे मेरे ना कंधे के पास कोई चीज़ आई हो। जैसे ही मैं मूव हुआ हूँ सामने वो कुएं से कोई चीज़ बाहर निकली हुई थी। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। और ये जो है ना वो बड़े ख़तरे वाली बात है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो चीज़ जो है वो मुझे जो है वो अपनी शक्ल दिखाने के लिए बाहर आई है या अपने आप को ज़ाहिर करने, मुझे जहाँ तक लगता है वो चीज़ निकली है शायद इनके ऊपर अटैक करने के लिए। अब ये देखें उस जानवर को, लास्ट वाला जो बच्चा है ये भैंस का, उसका जो है वो शक्ल, उसका फेस उसी साइड को ही है और मुसलसल ये देखें उसने स्टिल किया हुआ है। लेकिन लाइट पड़ती है ना ये जानवर इधर उधर देखते हैं, वो मुसलसल जो है वो कुएँ की तरफ ही देखे जा रहे हैं। देखें इससे पहले मुझे लगता है कि ये जो हमने किया था कीला था इनको, वो उस चीज़ के असरात ख़त्म हो इससे पहले मैं कहता हूँ कि हम जो है ना वो क्लोज़ करते हैं। तो बाकी रिकॉर्डिंग की थी बात, रिकॉर्ड वो चीज़ हमने कर ली है यार, इधर ही रखना ताकि बैक जो है वो भी आए, हो सकता है शायद वो चीज़ दोबारा नज़र आ जाए। कुएं के पास मैं इसलिए नहीं जा रहा दिखाने के लिए क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का दिल कर रहा होगा कि शायद मैं जाऊं, पर मैं नहीं जाने वाला क्योंकि जैसे उस चीज़ ने अपने आप को ज़ाहिर किया है ना, हो सकता है हम जाएं और वो उधर ही खड़ी हो और वो पकड़ कर खींच कर नीचे ले जाए, तो ये रिस्क है इसलिए वहां तक नहीं जाएंगे, इधर ही खड़े हैं। क्योंकि मेन मकसद था उस चीज़ को रिकॉर्ड करने का, वो जो है वो हो चुकी है इंशाल्लाह, पहले भी जो है वो मुझे दिखाई दी है उसकी, तो मैं कहता हूँ कि डाउट था मुझे हुई है नहीं हुई, पर ये वाली जो है ना वो क्लियर हुई है क्योंकि उस चीज़ के ऊपर अच्छा खासा मेरा जो है वो कैमरा रुका है और अजीब सी जो है वो मेरा ऐसे लग रहा है जैसे बुखार हो गया हो, तबीयत भी अजीब सी हो गई, एक डर सा, हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो गई है। कहता हूँ यार ना चलते हैं यहाँ से, उसके बाहर निकल कर उनको कॉल करते हैं जो ओनर है वो आ जाएं, कि ये नहीं कि हम जाएं उनके पास तो पीछे से ये उल्टा कोई नुकसान हो जाए। कैमरे बंद करते हैं, उनको जो है वो कॉल करते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया है, ताकि आए इनको हम
खोलें और उनको जाकर दिखाएं वीडियो में, यार ये हमें जो है वो पॉइंट मिले हैं। अक्सर जो दोस्त हमें बुलवाते हैं लोकेशंस पर, मेन हमारा मकसद यही होता है इन्वेस्टिगेशन का कि हम जो है वो क्लियर कर पाएँ कि आखिर इस लोकेशन पर ऐसा है क्या। जो दोस्त जिनको कोई चीज़ ऐसी वैसी नज़र आती है, जो डाउट में होते हैं कि यार शायद हमारा वहम, उस वहम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि तो हमारे पास जो है ये हम कैमरे से शूट कर रहे होते हैं तो हमारे पास बकायदा वो चीज़ रिकॉर्ड में आ जाती है, कैप्चर हो जाती है। उससे ये होता है कि प्रूफ होता है, किसी को भी दिखा सकते हैं। अब मुझे कोई चीज़ नज़र आई है, मैं अक्सर बोलता रहूँ यार मुझे चीज़ नज़र आई है, ऐसे होता भी है। अक्सर हम वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो कैमरा नहीं होता, कोई चीज़ नज़र आ जाए तो बोलते रहते हैं कि यार मुझे नज़र आई है। तो बस मानना किसी ने नहीं है जब तक कोई प्रूफ ना हो। तो प्रूफ जब बंदे के पास आता है तब जो है वो चीज़ मानते हैं लोग। इसीलिए खैर चलते हैं इंशाल्लाह। जो है वो अभी हमने जो है वो यहाँ से ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट लिया था, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लोकेशन पर आप दोस्तों से मिलते हैं। बाकी इतने दिन मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्यों नहीं की बस खैर छोड़ें, लंबी चौड़ी जो है वो कहानी है, सुनाने बैठ जाऊं तो वो आप बोर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अब जो है वो वीडियोस आप दोस्तों को रेगुलर मिलेंगी देखने के लिए। बस लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट हॉरर लोकेशन पर। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। ये देखें आवाज़ फिर आना शुरू होगी।